आपके सामने ही है सब, आप खुद ही देख सकते हैं। बरसात में कोई दिक्कत हो गई, गाड़ी लौट गई, कुछ हो गई, तो उसके जिम्मेदार चाहिए। पैदल वालों को बहुत परेशानी होती है आने जाने में। सर सारा पैसा बेकार जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे को पैसा बेकार हो रहा है, ये समझ लीजिए। आज हम मौजूद हैं किला चौपला रोड पर। आपको साफ तौर से बताना चाहूँगा, कल बीती रात तेज बारिश के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। किला आपको साफ तौर से दिखाना चाहूँगा, जो चौपला रोड है उस पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, रोड क्षतिग्रस्त हो चुका है, आम जनमानस को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, राहगीर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं एक साइड से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है बीच में कितने गड्ढे हो सकते हैं, एक्सीडेंट की भी काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो रोड पड़ा हुआ है, बिल्कुल गिट्टियाँ बाहर निकली हुई हैं, जिससे आम जनमानस को काफ़ी समस्या हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट का काफ़ी खतरा यहाँ पर है। आप लोगों से बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके की उन्हें समस्या है, आइए लोगों से जानते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं लोग मिल जाए तो उनसे बात करते हैं, जानने के प्रयास करेंगे किस तरीके से उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? करण। कहाँ से आ रहे हैं भैया? कानपुर लाल फाटक। किन तरीके की समस्याओं का सामना करना है? नगर निगम के जो दावे थे वो कैसे? बस गड्ढे हैं रोडों पे, और क्या। जो नगर निगम के दावे थे वो किस तरीके से नज़र आ रहे हैं? आपके सामने ही हैं सब, आप खुद ही देख सकते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं, भैया से बात। क्या नाम है? ललित सिंह। कहाँ से आ रहे हैं भैया? साथ में ही आ रहे हैं। किस काम से जा रहे थे? कुछ जॉब पर जा रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हो रही होंगी, क्योंकि यही समय जॉब का है और पानी आने की तरीके दिखा, क्या दिक्कत? देख ही रहे हो कितनी बड़ी समस्या चल रही है। नगर निगम की जो दावत है उसके लिए क्या कहना चाहिए? क्या कह सकते हैं? क्या हो रहा है ये देख रहे हो? जैसे कि साफ तौर से भैया का कहना है, नगर निगम के जो दावे थे वो बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं, और लोगों से जानने का प्रयास करने की बात करने की बात करते हैं, जानते हैं इनसे, चाचा से। क्या नाम है चाचा आपका? नरेश भाई। कहाँ पर रहते हैं? यहीं कोटपुर में रहते हैं यार। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा बारिश और पानी के लिए। ज़्यादा अंदर गलियों में घर तक पहुँच जाता है, रोड तक, घरों दरवाजे तक पहुँच जाता है। नगर निगम के जो दावे थे वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं? वो साहब कुछ तो बन गई है सड़कें, कुछ देखो आपके सामने ही जो कुछ है। बिजली की भी काफ़ी समस्या हो रही है। बिजली तो खैर सही आ रही है, बिजली तो इधर सही आ रही है, मगर यही है पानी बरसता है तो जल भराव हो जाता है, घरों में तक लोगों को घुस जाता है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं, जैसे इनका कहना है कि घरों में भी पानी भर जाता है, बिजली की अभी कोई खास समस्या नहीं है, और राहगीरों से बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उनको दिक्कतें हो रही हैं। लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं अभी और लोगों से किन किन दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकित। कहाँ रहते हैं भैया? सिटी रहता हूँ। नगर निगम के जो दावे थे वो किस तरीके से नज़र आ रहे हैं? पानी के बाद काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये तो आपके सामने ही है। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए आप गड्ढे हैं, ये पानी भरा हुआ है, इस चीज़ को देखा जाए, इसको सही कराया जाए। बरसात में कोई दिक्कत हो गई, गाड़ी लौट गई, कुछ हो गई, तो उसका जिम्मेदार। बारिश की वजह से बिजली की भी समस्या आ रही है, क्या कहना है? देखो लाइट तो आ ही नहीं रही है पानी के चक्कर में। कब से लाइट नहीं आई है उसके बारे में? सुबह से नहीं आ रही लाइट। आइए और लोगों से हम बात करेंगे, जानते हैं किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जानने का प्रयास करेंगे। राहगीर आ रहे हैं, आपको साफ तौर से दिखाना चाहूँगा कितनी बिल्कुल रोड में पानी भरा हुआ है, रोडों के बीच से राहगीर निकल रहे हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देख सकते हैं आप किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग निकल रहे हैं। आइए लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, चलो निकल गए। आप और लोगों से आइए बात करते हैं, जानते हैं किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर चाचा की दुकान है, इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। कहाँ रहते हैं चाचा? कुंवरपुर में। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी समस्या हो रही है आम जनमानस को, उसके बारे में? क्या मैं समझा नहीं। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश हुई है, नगर निगम के जो दावे थे वो खोखले नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देखना चाहिए? ये पानी भरस जाए और क्या है, ये गड्ढी है, परेशानी हो रही है, पानी आपके सामने छूट रहा है। जो नगर निगम ने दावे किए थे कि पक्के रोड देंगे, बिजली की समस्या नहीं होगी, वो कैसे नज़र आ रहे हैं? बत्ती तो लाइट कम आ रही है, कट रही है बार बार। जैसा कि साफ तौर से यहाँ पर राहगीरों का कहना है कि बिजली की काफ़ी समस्या है, रोड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बिल्कुल पानी की वजह से जल भराव की काफ़ी समस्या आ रही है। आपको साफ तौर से दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके का। क्या नाम है भैया आपका? मोहसिन। कहाँ रहते हैं भैया? कुंवरपुर। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नगर निगम के जो दावे थे? रोड ख़राब हो जाता है, रोड बहुत ख़राब हो जाता है, रोड संभालना चाहिए, पैदल वालों को बहुत परेशानी होती है आने जाने में।
बस। बिजली की जो समस्या थी कल से अगर देखा जाए बारिश हो रही है तो कैसे आ रही है बिजली? तो बारिश की वजह से थोड़ी कटौती हो जाती है, मगर फिर भी बारिश आती है तो थोड़ा जो होता है बारिश की वजह से थोड़ी बिजली कटौती हो जाती है। आइए और लोगों से ऑटो वाले से बात करते हैं, हम जानते हैं क्या नाम है आपका। मेरा नाम जाहिद अली। कहाँ ऑटो चलाते हैं आप, किस रोड पर? मैं सीवीगंज और आयुखा जाता हूँ ज़्यादातर। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? रोड सर, रोड का एकदम सामना करना पड़ रहा है जी। आज रोड पड़ता है, आदमी खड़ जाता है, ये समझ नहीं आया सरकार पैसा खर्च कर रही है अपना, क्यों नहीं कर रही है? काम से काम नहीं हो रहा है, पैसा रोड पड़ता है खड़ जाता है, कल रोड पड़ा आज खड़ गया रोड जी। सरकार अब देखिए पुल बना भी नया, उसमें गड्ढे हो गए, पुल में भी यहाँ पे गड्ढे, चौपले गड्ढे, हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं सर। सारा पैसा बेकार जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है बच्चे, क्योंकि पैसा बेकार हो रहा है ये समझ लीजिए। ठीक है, साफ तौर से यहाँ पर लोगों का कहना है, आम जनमानस का कहना है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो भी यहाँ से चालक निकल जाता है आए दिन ये रोड पड़ता है, उसके बाद ये रोड टूट जाता है, काफ़ी दिक्कतों भरा ये सफर तय करना पड़ता है यहाँ पर लोगों को। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ वैभव शुक्ला, डेली इंसाइडर न्यूज, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।